darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shakyu. And for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So, ये जो मैंने create किया है look, that is basically for Diwali. But because अभी Diwali के बाद शादी का season शुरू होने वाला है, so I thought let me create something जो आप Diwali के लिए या कोई भी और wedding के time पे use कर सकते हो. So, without wasting any time, let's dive right into the video. So I've already prepped my skin. Now let me know in the comment box अगर आपको लगता है that you want me to cover in any other video how I prep my skin, then I'll do that as well for you. But for now, this is the Diwali makeup look. So first I'm using the moisturizer by Sugar, which is the Bling Liter Illuminating Moisturizer. So ये regular moisturize करता है skin को, but it also adds a little bit of bling to the face. So basically क्या होता है, अगर आप कोई भी festive season look कर रहे हो, so ये अंदर से थोड़ा सा आपका skin और glowy कर देता है. Now, ये पर्टिक्युलर जो मॉइस्चराइजर है वो मैं अंडर आई पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी अप्लाइड अनदर मॉइस्चराइजर, बट आई ऑलवेज ट्राई एंड अप्लाई बहुत कम प्रोडक्ट मेरे अंडर आईज पे, बिकॉज मेरी क्रीज लाइन बहुत जल्दी आती है एंड सारे प्रोडक्ट्स उस पर डिपॉजिट होने लगते हैं. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द फॉरएवर 52 प्राइमर. नाउ प्राइमर क्या करता है, आपका जो पूरा फेस है उस पर एक कैनवस प्लेन कर देता है. नाउ सेकंड चीज क्या करता है प्राइमर, आपका थोड़ा सा स्टिकी लेयर हो जाता है व्हेन यू पुट इट एंड अप्लाई द अदर मेकअप. सो बेसिकली प्राइमर लगाने के बाद आप जो भी मेकअप लगा रहे हो, इट विल स्टिक टू द स्किन. इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ ग्लू ऑल्सो टू द अदर मेकअप दैट यू गोइंग टू पुट. नाउ प्राइमर ऑल्सो आपने जब लगा लिया है, यू हैव टू लीव इट फॉर अ वाइल, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, बिकॉज इट हैज टू टेक इनफ टाइम लाइक मॉइस्चराइजर्स एंड ऑल टू गेट इन टू द स्किन. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द कलर करेक्टर, बिकॉज अगर आप देख पा रहे हो मेरा ये वाला पोर्शन, दिस एरिया अंडर आई बहुत ज्यादा अभी पिगमेंटेड है. अगर आपका इतना ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, देन यू कैन स्किप दिस स्टेप. नाउ ये जो कलर करेक्ट मैंने किया, आई एम गोइंग टू फिक्स दिस अप विद अ पाउडर. सो कॉम्पैक्ट पाउडर से फिक्स करने का रीजन ये होता है दैट इफ यू डायरेक्टली पुट फाउंडेशन आफ्टर कलर करेक्शन, तो वो थोड़ा सा ग्रेश साइड पे लगने लगता है आपका फाउंडेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पैक द कलर करेक्शन दैट यू हैव डन. बट नाउ अगेन आप इसके बाद भी फाउंडेशन एंड कंसीलर आप वापस से पैक करोगे, सो बहुत थिन लेयर यू हैव टू पुट ऑफ द कॉम्पैक्ट. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू पुट द फाउंडेशन, जिसके लिए आई एम यूजिंग द इनफैलिएबल बाय लॉरियल. Now another thing to keep in mind is कि आपका जो भी एरिया है जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्रीज लाइन आफ्टर मेकअप दिखने लगती है, यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे आप मिनिमल प्रोडक्ट लगा रहे हो. जैसे मेरा अंडर आई एंड माई फॉरहेड, इफ यू कैन सी, बहुत जल्दी मेरी लाइन्स फॉर्म होती हैं. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो पर्टिक्युलर प्लेसेस पे मैं थोड़ा कम प्रोडक्ट लगाऊं देन द रेस्ट ऑफ द फेस. नाउ हम अपने फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे, फॉर विच आई एम यूजिंग द क्रायलॉन. Now next we are going to use the concealer. So concealer मैं अपने shade का use कर रही हूँ, which is Fit Me 20 Sand. And ये मैं उन areas पे लगाने वाली हूँ जहां पर मेरे बहुत ज्यादा spots अभी भी मुझे दिख रहे हैं. Now to provide a little highlight to my face, I'm going to use the sugar concealer. Now ये वाला जो particular shade है वो मेरे skin tone से एक shade lighter है. नाउ कंसीलर को पैक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बाय शुगर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डस्ट इट ऑफ विद अ क्लीन ब्रश. सो बेसिकली व्हेन यू आर डस्टिंग ऑफ, आपने जहां पे कंसीलर लगाया है आई पुट द पाउडर देयर ओनली एंड नाउ आई एम जस्ट डस्टिंग इट ऑफ, तो इवेंचुअली वो थोड़ा थोड़ा लेयर पूरे फेस पे चला जाता है.
नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ सेटिंग स्प्रे विच इज बाय शुगर. सो इससे क्या होगा, अभी तक जो आपका बेस मेकअप है वो पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द आईज फॉर विच आई एम यूजिंग द आईब्राउ केक बाय मिस क्लेयर. Now for the eye palette, I'm using the Huda Beauty Naughty. Now the color that I've tried to take from Huda Beauty, उसमें भी mostly मैंने ऐसे colors try किए हैं choose करने के जो आपके दूसरे palettes में भी बहुत easily available होते हैं. So we're going to start with the buffing now. So even with eyeshadow, I've noticed mostly बहुत बार ऐसा होता है जैसे शुरू शुरू में जब हम eyeliner start करते थे लगाना तो एकदम एक पतला होता था, दूसरा लगाने पे वो थोड़ा मोटा होता था. Then we used to think ये वाला साइड थोड़ा मोटा करते हैं वो इस साइड से ज्यादा मोटा हो जाता था. सो इफ यू रिमेम्बर दैट फेज इफ यू हैव अप्लाइड आई लाइनर सो यू रियलाइज की आई शेडो भी सेम होता है. आपने एक साइड थोड़ा कम लगाया, दूसरे साइड अगर आपने थोड़ा भी ज्यादा लगाया देन यू फील की ये वाला साइड में थोड़ा डार्क कर दू एंड इवेंचुअली यू रियलाइज की वो बेस शेड ही इतना ज्यादा डार्क हो गया. सो ऑलवेज ऑलवेज टेक वेरी लिटिल शेड, उसको आप हमेशा टैप करो एंड देन कीप अप्लाइंग जिससे थोड़ा थोड़ा ही आप बिल्ड कर पाओ. नाउ ये जो क्रीज शेड आपका बन गया उसके बाद आप थोड़ा सा छोटा ब्रश लोगे विच यू आर गोइंग टू यूज दिस कलर विद. एंड नाउ जो आपने ऊपर शेड लिया है नाउ सेम कलर आप थोड़े छोटे ब्रश से लगाएंगे. नाउ फॉर द आईलिड्स आई एम गोइंग टू यूज द लिक्विड शिमर. ये एक्चुअली मैंने किसी ड्रग स्टोर से लिया था बिकॉज आई हैड लव द पिगमेंट ऑफ इट एंड इट इज बाय द नेम स्लॉशी. आई हैव नॉट सीन इट ऑन अमेज़न बट अगर मुझे लिंक मिलेगा देन आई विल डेफिनेटली पुट इट. एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग यू विल फाइंड द लिंक ऑफ एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये आप लगाओगे अपने सिर्फ आईलिड्स पे. नाउ फॉर द हाइलाइटर आई एम यूजिंग द सेम पैलेट जो हमने आईज के लिए यूज की है. Now next I'm using the Revlon. I will be applying my kajal. Now even for top I'm applying the same kajal. It doesn't have to be too perfect because usko hum wapas se thoda sa smoke out karne wale. Now if you've noticed main smoke out kar rahi hu jisse wahi jo shade hai wo main thoda sa on the outer corner le ja rahi hu. I'm not applying anything extra. नाउ नीचे भी जो मैंने स्मोक आउट किया है उसमें मैंने क्लीन ब्रश लिया है. आई हैव नॉट अप्लाइड एनी आई शेडो. तो बेसिकली आपके जो वॉटर लाइन पे काजल है उसको ही आप सिर्फ स्मोक आउट कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू अप्लाई द मस्कारा. दिस इज बाय प्लम आई स्वेयर वॉल्यूम मस्कारा. Now that we are done with the eyes for now, we'll be moving to the face. Now, थोड़ा सा और define करने के लिए I'm going to use the contour which is by Forever 52. Now, अगर आपका forehead छोटा है बहुत थोड़ा सा आप apply कर सकते हो. So basically आपका guideline ये होता है कि जितना बड़ा आपका nose होता है that is where अगर इतने से बड़ा आपका फोरहेड है उस पर्टिकुलर एरिया पे आप कॉन्ट्रोल करते हो. बट बिकॉज मेरा ऑलरेडी अराउंड द नोज जितना ही है सो मैं बहुत थोड़ा सा अराउंड सिर्फ यहां पर एक शेडो क्रिएट करती हूँ. यू डोंट नीड टू डू इट टू मच. नाउ फॉर द ब्लश आई एम गोइंग टू यूज द नेचुरली ल्यूमिनियस फेस पाउडर बाय लॉरियल. सो नाउ इफ यू नोटिस ये जो पर्टिकुलर फेस पाउडर है ये थोड़ा सा टिंटेड है एंड इट इज ऑल्सो अ लिटिल शाइनियर साइड. सो दिस वर्क्स वंडरफुल एज अ ब्लश एज वेल. नाउ टू हाईलाइट आई एम गोइंग टू यूज द मिलानी फेस पैलेट. Now for the lips, I decided to go with Nykaa lip shadow. So अगर आपके पास same shade का lip liner नहीं है you can just pick up the lipstick or liquid lipstick that you're using and you just have to take it onto your brush and पहले उसको आप lip line कर लीजिए उस particular brush से और उसके बाद you can apply to the rest of the lip. अगर आपको लगता है कि आपका लिप जैसे मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्मच्ड अप लग रहा है
सो वॉट यू हैव टू डू इज यू कांट रिमूव पूरा मेकअप बिकॉज आपका बेस मेकअप खराब हो जाता है. सो यू जस्ट हैव टू पिकअप जो कंसीलर आपने अपने शेड का यूज किया था दैट यू पिकअप पुट इट लिटिल ऑन योर हैंड और जो पाम पे आपने लगाया है उससे आप उसको बफ आउट कर दो. And now we are pretty much done with the makeup. Now let me put my falsies, jewelry and my clothes and show you the final look. आई होप आपको पसंद आया हो. लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा या आपको ऐसा लगा कि ये इजी था फॉर यू टू क्रिएट. एंड इन केस इफ यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस फॉर योर सेल्फ इन एनी ऑफ द फेस्टिव सीजन प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माई इंस्टा आईडी एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम मैं कोई नया मेकअप लुक क्रिएट करूं यू गेट नोटिफाइड एंड गेट्स अंटिल आई सी यू गाइज अगेन कीप शाइनिंग.